सब नू जी आया नू पंजाबी दरबार से निजाम लोहार पार्ट टू है पार्ट वन जिहड़ा वह मैं पहलू अपलोड कर चुका वा। यह चढ़ते सूरज के पुजारी ने जो आवाम का सियासी शऊर अगे वधे तबकाती कशमकश तेज हो जाए माजदा दो धड़े अंदर वंड हो जाए दुखी तो मजलूम एक पासे ते वेल लटेरे दूजे पासे हो जाए आवाम अपने दोस्तों दुश्मनों तो आगा हो जाए हर मजलूम एक कसम खा ले के जालम के अगे झुकना नहीं बिकना नहीं अपने धड़े नाल गुदारी नहीं करनी हर फनियर नाग का सिर डांग नाल भन छड़ना है। फजू के पिंड दे कसीर सिंह ने मुखबरी करके देवा सिंह मान नूं गिरफ्तार कर दिता। देवा मान अपने नानके पिंड एक शादी उत्ते गया होया सी वापस आ रहा सी ते पुलिस की गार्द पै गई। देवा मान मुकाबला करता होया जख्मी होया ते गिरफ्तार कर लिया गया। निजाम लोहार ने देवा सिंह मान नूं गिरफ्तार कराने वाले मौका परस्त पुलिस मुखबर नूं की सजा दी सी ते निजाम ते साथियों ने अपने दुश्मन नूं किवें कुत्ते की मौत मारिया। देवा सिंह मान दे कैद हो जावन का बड़ा दुख सी। आखिर सूरमिया ने फैसला किया कि देवा सिंह मान नूं रिहा कराने लई कसूर दी जेल तोड़ी जाए। पुलिस मुकाबले का इंतजाम कर लिया गया। पंजाब के दहशत पसंद ग्रोह नरहाबता कैंप किया गया बंब ते बंदूकां मंगवाईआं चाचा मुहम्मदीन उन्होंने दिनों में अमृतसर सब्जियां का वंझ करता सी। उस बबरा काली तरीक दे दलेरां नूं वंगा रहा हुशियारपुर जलंधर लुधियाणा गुरदासपुर ते अंबाला विचों बबरा काली आए कसूर जेल उत्ते निजाम लोहार की कैद विच धावा बोल दिता गया। जेल दे पैरू भज गए पुलिस लारी विच आई गोलियां चलाईयां जवाब विच अग वरी ते लाशां छड्ड के पुलिस भज गई। जदों जेल की कंध टै गई ते बंब चले धरती डोल गई सैल तोड़ दिते गए। देवा सिंह मान नूं आजाद करा लिया गया। कैदी भी नस गए बेड़ियां कट दित्तियां गई अंग्रेज की हकूमत दी भेड बह गई। हुकूमत ने जेल भजन के सबाब की तकीकात एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को कराई। हुकूमत के पिठू ते मुखबर गवाह बने। 14 बागियां नूं डाकू कह के इश्तिहारी मुलजम बना दिता गया। उन्होंने रिश्तेदारां ते मिलन जाने वाले थाणियां विच बुला के दलील किए गए। इन्हां दे माल मवेशी पुलिस वल लियाई जमीना जब्त कर लईआं कर लैण देण दीआं धमकियां दित्तियां गई। इनकलाबियों नूं गिरफ्तार कराने वालेयां दा 5000 रुपया इनाम रखा गया। तहसील चूनिया के कई जगीरदारां रजिस्ट्रेड बना दिते गए। कसूर की जेल भन्नण तो बाद दहशत पसंद ते अपने अपने टिकाणियां नूं चले गए। निजाम ने एक थाने हल्ला बोलिया ते पुलिस वालेयां दीआं वर्दियां चा लुटियां। नादरी भट्टी आख्या 6 महीने हो गए ने मेरे साथी बैकानेर रियासत में गए सन उन्होंने उम्र कैद हो गई है। देवा सिंह ने दूसरे साथी आजाद करा ले ने हुण बैकानेर के कैदियों की फिक्र कर इतने हुण गारदां गड़े वांगू वरण गईआं माझे नूं कुछ दिनों लिए छड़ दईए ते बैकानेर के राजे नूं लुटीए नाले जेल विचों बेलियां नूं छड़ा लईए। निजाम लोहार आख्या अज रात मैनूं रब दा नां जप लैण दे कोई इशारा हो जाएगा इंशाला जो अमर होया उसके मुताबिक अमल करांगे। दिन चढ़िया तो निजाम लोहार ने साथियों पुलिस दीयां वर्दियां पहनाईयां खुद थानेदार की वर्दी पहन ली जबरू नूं हवालदार की वर्दी पहनाई घोड़िया ते बह के लोग समझते पुलिस आई है। इन्हां लई मुर्गे दिभाउंदे रहे लोग दुधां दीयां चाटियां पिलांदे रहे। वह सुलेमान की हट के कोल आउंदे होए बावल नगर चले गए उत्थों बैकानीर के बार्डर से डेरे ला दिते। सूबे तो मुराद महाराजा बैकानीर के बाडीगार्ड का अफसर है जिहड़ा बड़ा ग्रांडियल जवान सी उह जरा बख्तर पहन के मुकाबले च आया सी। उहनूं तर्द नाल चिराग माछी ने जनानी आख्या सी। उहदे मुकाबले गुम्मा सिंह मान छोभी लै के गया सी जिहदी छवि जोरों ते वज के जर ते वज के बेकार हो गई सी जरा ते वज के बेकार हो गई सी। घुमा मान कतल हो गया सी फिर जबरू मंडाई गुस्से नाल खूनी चीते वांगू हमलावर होया सी ते उह सूबे दे दो टुकड़े कर छड्डे सन। फिर जेल दीआं कुंजियां लै के बूहे खोल छड्डे घंटियां वज्जियां सन ते कैदी बंदी खाने तो बाहर आए सन। इस डकैती तो बाद हिंदुस्तान दे राजे धड़कन लग पे सन ते इन्हां ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर ले सन। रियासत बैकानीर विचों जिहड़ी दौलत लिआंदी सी उहदे नाल गरीबां दियां धीआं ब्याहियां खूह लवाए जामन विच राह उत्ते उह खूह हुण वी मौजूद है ते राही मुसाफर उहदा पाणी पींदे ने। निजाम लोहार ने अपने पिंड सोल अमृतसर विच सराह बनवाई सी जिहड़ी 1947 तक खड़ी सी।
ਉੱਥੇ ਮਸਾਵਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਵਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਜਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਜਬਰੂ ਨੂੰ ਮਿਹਮ ਪਸੰਦੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਨਾ ਕਰੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਵਾ ਛੱਡੀ, ਐਸੇ ਬੇਗਰਦ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਬਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੂਬ ਸੀ। ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਜਦ ਵਿਛੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਬਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਮ ਰਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਰਾਵਣ ਜਿਹਾ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਘਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘੜੀ ਲੰਘਾ ਲਵੀਂ। ਜਬਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਉਸ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਭੂਏ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਬਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗਾਰਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਨ ਰੇਜ਼ੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਫੁੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਦੜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਗੁਮਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਬਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਨ ਰੇਜ਼ੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਘੁੰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਬਰੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਨ ਰੇਜ਼ੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਘੁੰਮਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਬਰੂ ਗਰਮੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜੀ ਭਜਾ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਮਾਛੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਛਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਜਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘੋੜੀ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੋਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗਾ ਮਾਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੋੜੀ ਸਰਪਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਨਵਾਬ ਜੱਟੂ ਅਤੇ ਹੱਸੂ ਗੱਡਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਸੂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਘੋੜੀ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਡਾਂਗ ਫੜ ਕਿਸਮਤ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰ ਨਾਲ ਪਗੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਜਾ। ਹਸੂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਮਾਛੀ ਨੇ ਡਾਂਗ ਵਰਾਈ। ਜਬਰੂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਸੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਛੱਡੀ ਪਰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਾਡੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਧੌਣ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਲਾ ਹੰਜਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਗਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ
नाल टकराया ते गरीब दी बांह वढ़ाई। तकदीर नूं तदबीर नाल टालिया नहीं जा सकता। बलाका सिंह मजिस्ट्रेट ने फूला सिंह कांस्टेबल के कतल होने तो बाद पुलिस कप्तान बांबे तहसील चूनिया आया। जैलदार सफेद भोज नंबरदार लसंसदार जगीरदार ते पुलिस दे मुखबर बराए 300 के करीब पिठू जमा किए। पुलिस दियां गारदां जजीरे वाल नूं लै चढ़िया। जबरू दे नाल उहदे सै दर्जन सूरमे जवान सन। निजाम लोहार नूं गया हफ्ता हो गया सी। मौत दी देवी कह के ला रही सी ते गीत गावण वालियां दा गुरु नारो दमामा वजा रहा सी। जदों गोलियां गड़े वांगू वरियां, पहली गोली भोले घुम्यार नूं लगी। जबरू नूं निजाम लोहार याद आ गया, जे अज हुंदा ते गोली दा जवाब गोली नाल दिंदा। छवी ते बंदूक दा कोई मुकाबला नहीं सी। उह सूरमे दी तसल्ली निजाम दे सताए होए सन। माछी घुम्यार ते नाई हालात ने इकट्ठे कर छड़े सन। वह अज भी अज की गुरीला जंग तो नाकब सन। अगर चाहते तो भोले घुम्यार के गोली लगन तो बाद नस जाते, पर इन्हें टकराने का फैसला कर लिया। खूनी शेरां वांगू झपटे कई दर्जन जालमां नूं वढ़िया टुकिया। उन्होंने गोलियां का मीह बराया। इन्हां दे जिसम छाननी हो गए। पंजाब की धरती अपने पुत्रां दे खून नाल सुरख हो गई। इन्हां जख्मियों नूं कसूर जेल ले जाया गया। इन्हां नाल डाक्टर नूं भी कोई हमदर्दी नहीं सी। जदों 8वें दिन निजाम लोहार आया तो साथियों का हल मलूम होया। तो जेल में अंग्रेज़ अफसर की वर्दी पा के गया। अपने साथियों नूं मिलिया, किसी ने उन्हें पछाणिया। अखां विच अथरू आ जांदे ने। जुलम के खिलाफ मसला जदोजहद करन वाले हिरनी दे बच्चे वांगू फरिश ते तड़प रहे सन। इन्हां दे जिसम इस तरह जख्मी सन जिवें दरखत दे सक कुहाड़े नाल ला छड्डे होण। निजाम लोहार इन्हां जख्मियों नूं नाल नहीं सी लै जा सकदा। दिल ते पत्थर रख के मोड़िया। कसूर दे नेड़े इक पिंडे आसल, उत्थे दी इक सिख बेवा औरत नूं निजाम लोहार धर्म की मां आखदा सी हुंदा सी उहनूं मिलन चला गया। निजाम लोहार नूं गिरफ्तार कराने वाले 1,24,000 रुपया ना मिलना सी। ओह सिख बेवा औरत दे देवर सूजा सिंह ने मुखबरी कीती। पुलिस आई ते मकान दा घेरा गत लिया। निजाम सिर ते कड़ाई रख के घोड़ ते सवार होकर निकलिया। दरवाजे नाल मत्था वज्जिया ते खोपड़ी खखड़ी वांग खिड़ गई। लहू लान होकर गिरिया। नत्था सिंह ने उन्हूं पानी पिलाया ते माझे दा शेर पुत्र जिहड़ा जालमां लई मौत दा फरिश्ता सी, जिन्हें सूदखोरां नूं लुटिया ते दौलतां गरीबां विच वंडियां सन, जिहदे कोलों अंग्रेज़ दी पुलिस एवें डरदी सी जिवें कां गलेले कोलों भजदा। जिन्हें अंग्रेज सामराज के पिट्ठू जैलदार सफेद पोश ते नंबरदारां नूं कदी नहीं बख्शिया। जिन्हें महाराजा बेकानीर दा खजाना लुट के जरूरतमंदां दे घर भर छड्डे। जिहदे घोड़े दी टाप तो धरती कंबदी सी, कल ने मरवा छड्डिया। अगले दिन सूजा सिंह दे हत्थों कतल हो गया। बूटा सिंह नूं उहदी बेवा मां ने हुक्म दिता सी निजाम लोहार ते मखबरी करन आए दा सिर ना छड्डी। लोग शायर कहिंदा है बूटा सिंह मुसलमान हो गया सी, उहदी औलाद असल विच आबाद। जुलम के खिलाफ जंग का यह बाप बंद नहीं होया, पर निजाम लोहार ते जबरू नाई बहादरी शजात सखावत ते दलेरी अंदर अपनी मिसाल आप सन। उन्हां दी जगाई होई जोत जगदी रही। पंजाब दी धरती पुत्तर जमदी रही। जुलम के खिलाफ पंजाब के पुत्तर छवियां दे सोटे चलांदे रहे, बंब बनांदे रहे ते मार दे रहे, धमाके हुंदे रहे, जेलां आबाद कीतियां, फांसियां दे फंदे हस के चुम के गलां विच पाए। ते लो जी रब रखा फी मानुल्ला। ते अपना ख्याल रख्या जे, ते चैनल नूं सबसक्राइब करके जाए ते बैल आइकोन नूं लाजमी प्रेस करिया जे। मिलने अगली वीडियो च। रब रखा फी मानुल्ला।